है वो मंगलम वासु जय श्री माता जी। है। जय श्री माता। तो सर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, 7:08 करीब हो गए हैं, 7:07 हो गए हैं। क्या आप कहें तो 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ पर्सन अभी और जुड़ने वाले हैं। सर मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, जिसको भी कुछ बोलना हो तो वो अपना हाथ उठा सकते हैं। सर राधे राधे। आप दिखाइए से दोनों कितने हैं। सर अभी 5 मिनट 2-3 मिनट और रुकते हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि तो लगभग 67 के आसपास पर्सन को छूना था, अभी 27 ही हो पाए हैं। और थोड़ा सा 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, जब तक मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम योगेश केशवानी है, मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ और मेरी फर्म का नाम है मंगलम वास्तु। लगभग 10 साल पहले करीब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। एस्ट्रोलॉजी के बाद फिर लगभग 7 साल पहले करीब ये इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में आया, जिसको हम ऑरा स्कैनर कहते हैं। उस ऑरा स्कैनर के थ्रू जब मैंने रिजल्ट देने शुरू करे तो काफी अच्छे रिजल्ट मेरे को मिले, और एकदम से रिजल्ट मिलने शुरू हो गए इसमें। तो ये जो डिवाइस है ये ऑरा स्कैनर कहलाती है, और ये हमारी ऑरा पे काम करती है। आपने ऑरा की वैसे तो पिक्चर देखी होगी, बट मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ऑरा हमारी है क्या। ठीक है सर, आपके सामने एक स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें हमारे 7 चक्रास के बारे में बताया गया है, और जो उसकी बॉडी, जो हम लोगों की बॉडी होती है उसके बाद जो लेयर्स हैं वो सारी सारी लेयर उसमें दिखाई गई हैं। जैसे सबसे पहले मूलाधार की लेयर होती है हमारे शरीर से बिल्कुल टच करती हुई, फिर उसके बाद सेक्रल, उसके बाद मणिपुरा, उसके बाद हमारा थर्ड आई चक्रा, फिर उसके बाद थ्रोट चक्रा, फिर थर्ड सॉरी थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, फिर क्राउन चक्रा। तो ये 7 चक्रा जो होते हैं ये हमारे बॉडी में हैं, और इन सबको ही रीड करने के लिए ये स्कैनर बना है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं सर, ये एक तरीके से अगर आप साइंटिफिक वर्ड यूज करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ता है, और जो प्रॉब्लम होती है वो प्लस में या माइनस में जो भी होती है वो हमारे को पता चल जाती है। सर कुछ टाइम के लिए मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है, अगर किसी को कुछ रिकॉर्डिंग में इसमें पिक्चर में मेरी फोटो में या कुछ आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कोई दिक्कत तो नहीं है सर किसी को भी? नहीं, आवाज तो क्लियर है सर। ठीक है सर, फोटो वगैरह भी क्लियर है ना? बिल्कुल हाँ, फोटो भी क्लियर। मैं अब स्टार्ट करता हूँ क्लास को। 7:10, 7:12 हो गए हैं हमारे। तो सर ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर हमारा जो काम करता है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। सर अनम्यूट कर देता हूँ, सर ये जो हमारा स्कैनर है इसको हम ऑरा स्कैनर कहते हैं। इसको स्कैन करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, या तो जातक होना चाहिए, या जातक का स्लाइवा होना चाहिए, या जातक की फोटो होनी चाहिए। फोटो का भी जो साइज है वो लगभग मान के चलिए कि पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज होता है हमारा, वो होना चाहिए। वो फोटो से भी आप स्कैन कर सकते हो। तीनों के रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। जो रिजल्ट आपको एक बार आ गया वही रिजल्ट आपको दोबारा भी मिलेगा, जब तक आप इसमें रेमेडी कोई नहीं करते तब तक। तो सर स्कैनर की बात अगर हम ये देखिए, फोटो का साइज लगभग इतना होना चाहिए, या तो जातक आपके पास हो, या उसका फोटो आपके पास हो, या स्लाइवा उसके पास हो। ये अब मैं स्कैनर दिखाता हूँ आपको। ये हमारा स्कैनर है, ये एक पीस है, ये दूसरा पीस है। फोटो को बढ़ा, ये सर एक स्कैनर जो है ये बड़ा पीस, मतलब ये दो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें आगे की तरफ आप एक होल देख रहे हैं जिसके अंदर हम सैंपल लगाते हैं। ये जो आप होल देख रहे हैं इसमें हम सैंपल लगाते हैं, और ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं सर ये हैंडल है, इसको हमारे को इस तरीके से पकड़ना होता है। अगर मैं 90 डिग्री में इसको पकड़ूं तो ये आप मान के चलिए कि ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये आगे से मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर देता हूं तो ये 85 डिग्री हो गया। अगर मैं इसको 90 डिग्री में पकड़ता हूं तो ये अपने आप मूव कर रहा है कि ना तो मैंने इसको ऑन करा है ना इसमें और कुछ फंक्शन मैंने डाला है, लेकिन ये मूव कर रहा है। और अगर इसको थोड़ा सा 90 से प्लस में ले जाता हूं तो 91 डिग्री पे आने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये घूम गया। ये जो 91 डिग्री पे आ गया है ये गलत आ गया है, हमारे को इसको 90 डिग्री से हल्का सा नीचे रखना है 85 डिग्री। अब 85 डिग्री पे रखने से हमारे को ये बेनिफिट होगा कि जो हमारे को सामने से पावर मिल रही है सिर्फ ये उसी पावर को ही कैच करेगा और हमारे को उसके रिजल्ट बताएगा। अब जैसे जिस घर में मैं बैठा हूँ वहां की मैं पॉजिटिव एनर्जी को अगर चेक करने के लिए इसमें पॉजिटिव का सैंपल लगाता हूँ, ये देखिए सर पॉजिटिव का सैंपल है। अभी हमने आपसे एक स्क्रीन भी शेयर करी थी जिसमें सारे सारे जो हमारे सैंपल्स हैं उनके नाम लिखे हुए थे, और जो इसको पकड़ने का सिस्टम था, खुलने का सिस्टम था, वो भी आपसे शेयर करा है। मैं आपको अभी उसके बारे में और बताऊंगा। जैसे ये पॉजिटिव एनर्जी है सर, पॉजिटिव का हमने सैंपल लगाया, और ये इसमें आप दो इसमें लाइट देख रहे हैं और एक ये नीचे बटन देख रहे हैं। इस बटन को मैंने ऑन करा तो ये लाइट जल गई, ऑफ कर दिया मैंने बटन को तो लाइट बंद हो गई। लाइट को आपको ऑन रखना है, दोनों ये भी आपने ऑन कर दिया, अब मैंने इसको ऑफ कर दिया तो ये लाइट बंद हो गई। तो ये जो लाइट जलने का सिस्टम है वो ये आपको दर्शाता है कि आपका बैटरी और ये स्कैनर बिल्कुल ओके है। अब देखिए सर मैं जिस जगह पर बैठा हूँ या तो मैं उस जगह की एनर्जी को चेक कर सकता हूँ, या यहाँ पर कोई पर्सन हो तो मैं उसकी एनर्जी को चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है तो मैं
इस कमरे की जो एनर्जी है उसको चेक करो। तो ये पकड़ने का सिस्टम आप देखिए, ये 90 डिग्री 90 प्लस में मैं ले गया तो ये चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया इसने, ये गलत। तो हमारे को 90 डिग्री से हल्का सा नीचे ये 85 डिग्री में रखना है। और आप मेरे हाथ की एक पोजीशन देख लीजिए, ये इस तरीके से मैंने हैंडल को पकड़ा हुआ है। सिर्फ ये आपने हैंडल को पकड़ना है और ये दोनों पीस आपके मिले हुए होने चाहिए। दोनों पीसों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऊपर हो एक नीचे हो और इस तरीके से हो, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर ये इतनी दूरी पे है, आपने ऐसे पकड़ रखा है तब भी रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे पकड़ रखा है तब भी रिजल्ट नहीं है, ऐसे पकड़ रखा है तब भी रिजल्ट नहीं है। इन दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा। ये दोनों पीस डिले होने पर ही आपको ये जो दोनों पीस का आप ये सेंटर का पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारा एक जो स्कैन करने वाला सिस्टम है उसमें जीरो है। जीरो का मतलब ये है सर कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे और यहां तक हम जाएंगे, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। तो जीरो से हमने जैसे ही इसको 85 डिग्री पे रखा और स्कैन करना शुरू करा, इसने जो मेरे को जो यहाँ की एनर्जी बताई है वो लगभग इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना होता है हमारे को, वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। लगभग 70% इसने मेरे को पोजीशन बताई है कि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी 70%। अब ये 70% कैसे निकला, वो इस तरीके से निकला सर, ये 0% है, ये 100% है। मैं अभी हाथ से चला रहा हूँ इसको, ये 100% हो गया, एक दूसरे के अपोजिट चले गए 180 डिग्री पे, तो ये आपका 100% हो गया। और ये अगर आपका 90 डिग्री पे रह गए तो ये हमारा 50% हो गया। ये परसेंटेज जो है सर, ये आपको इन दोनों के एक दूसरे से दूर जाने से पता चलेगा। जैसे ये आपका 10% हो गया, ये 20% हो गया, ये 30% हो गया, ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। जितना आपका ये एक दूसरे से दूर जाएंगे आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट कर। बात हल्का सा पंखा सा बात कि जितना दूर जाएगा हल्का सा कि जितना एक दूसरे से दूर जाएंगे सर वो परसेंटेज है। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये 0% है, ये 100% है, ये 50% है। पर 90 डिग्री का जो एंगल आ गया, अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पर भी आ सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। तीनों कंडीशन में आपको जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा कि ये 90% आ गया। जब तक आप कोई रेमेडी नहीं करेंगे तब तक आपको ये जो एक बार स्कैन करके बता देगा उतना ही आपका रहेगा। जब आप रेमेडी कर लेंगे तो ये प्लस माइनस होगा, उसका भी मैं आपको एक डेमो दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। तो सर मेरे यहाँ तक जितना मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज सर एक बार जरा बता दीजिए। अनम्यूट कर सकते Yes sir. जी आ गया, समझ आ गया। जी सर समझ में आ गया। सर इसका मेन फंक्शन जो हमारे को फॉलो करना है वो यही करना है कि 85 डिग्री में रखना है हमारे को उसको, और आगे से हल्का सा मतलब 85 डिग्री पे होना चाहिए और आपका लाइट ऑन होना चाहिए। इतना ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं वो हमारी परसेंटेज है, वो परसेंटेज हमारी कहीं पर आपको 0 से 100 के बीच में मिलेगी, या वो 30, 40, 50 से कुछ भी हो सकती है। और जो कुछ परसेंटेज आपको मिलेगी इसमें वो मिलेगी यस और नो की,
सर प्लीज जो पीछे से शोर आ रहा है उसको बंद कर दीजिए, तभी मजा आएगा क्लास करने में। कुछ सवालों के जवाब तो ये हमारे को 0 या 100 में बताएगा, और कुछ सवालों के जवाब हमारे को ये परसेंटेज में बताएगा। तो डिस्चार्ज अभी मैंने कई के चार्ज पे लगाए दिया। सर इसका प्राइसिंग क्या है? सबको अनम्यूट कर दीजिए। सर म्यूट कर दो सबको। सर थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है पीछे से अनम्यूट करने पे। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने कुछ पूछना है, तो मैं आपको पर्टिकुलर पर्सन को ही अनम्यूट करके क्लास को फिर आगे चलाता रहूँ। सर आपका कोई सवाल है ओम प्रकाश जी? सर आगे चले। देखिए सर एक मैंने अभी आपको पॉजिटिव एनर्जी का टेस्ट कर दिखाया है, वो पर्टिकुलर प्लेस से था। अब जो हमारा काम करने का सिस्टम है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर सैंपल सेट कर रखे हैं। तो किसी भी पर्सन की आपको सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी देखनी है, किसी भी पर्सन की आपको नेगेटिव एनर्जी देखनी है। अब पॉजिटिव एनर्जी जो है वो 0 से 100 का एक अलग ग्राफ है, और नेगेटिव एनर्जी का 0 से लेकर 100 का एक ग्राफ है। मान के चलिए कि यहाँ पर जिस जगह पे मैंने अभी चेक करा था आपको, वहाँ 70 से 80% के बीच में मेरे को एनर्जी मिल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को अब यहाँ नेगेटिव एनर्जी 20% मिलेगी। जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा इस कमरे की थी वो 70 से 80 के बीच में मेरे को मिली, आप 75 मान के चलिए। अब जरूरी नहीं है कि वो 25 मेरे को और मिलेगी। बेटा ये जो ऐसे जो 25 हमारे को बैलेंस है वो 25 मिलेगी, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको इसी जगह की नेगेटिव एनर्जी चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए सर मशीन ऑन है, ये मेरा हैंडल के नीचे मैंने इसको पकड़ा है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, ये हैंडल के नीचे से पकड़ा है। ये मैं नेगेटिव एनर्जी चेक कर रहा हूँ, आप मेरा एंगल देख सकते हैं, ये 85 डिग्री पे है। सर ये नेगेटिव एनर्जी जो है यहाँ पर ये लगभग 35% में जा रही है। तो ये 35% का जो रेशियो है वो अपना अलग है, और जो पॉजिटिव का रेशियो आया था वो हमारा अलग है। कई लोग कहते हैं कि भैया 75% आ गया तो 25% माइनस हो गया उसमें, ऐसा नहीं होता। किसी भी पर्सन की या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जो एनर्जी है वो दोनों अलग अलग रहेगी। अब सर मैंने आपसे एक सवाल करा था या आपको बताया था कि कुछ सवालों के जवाब तो ये परसेंटेज में देगा, कुछ सवालों के जवाब ये हमारे को 0 या 100 के बीच में देगा। तो सर ये यूवी माइनस जिसको हम नजर दोष कहते हैं, अब ये नजर दोष जो है मैं आपका पर्टिकुलर जिस घर पे जिस कमरे में मैं बैठा हूँ वहां का आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये या तो खुलेगा या नहीं खुलेगा, अगर खुलेगा तो इसका मतलब वो 100% पे जाएगा, और नहीं खुलेगा तो वो 0% पे आएगा। तो ये देखिए सर यहाँ इस घर पे मैं बैठा हूं वहां का नजर दोष 0% है। उसका कारण ये है कि ये स्कैनर खुला नहीं,
इसके बाद सर मैं बात कर रहा हूँ आपसे नेक्स्ट बंधन दोष के। अभी मैं आपको ये पर्टिकुलर प्लेस चेक करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर सब चीज चेक करके दिखाऊंगा, और पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जियोपैथी स्ट्रेस भी आप इस मशीन के थ्रू चेक कर सकते हैं। अभी आपका बंधन दोष मैंने लगाया, मशीन ऑन है, ये 85 डिग्री में मैंने पकड़ा सर। अगर ये खुल जाएगा तो प्रॉब्लम है, और अगर नहीं खुलेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए सर, जितनी देर भी मैं इसको चेक करूंगा तो ये मेरे को रिजल्ट वही बताएगा। सर इसके बाद आता है हमारा पितृ दोष, और पितृ दोष क्या होता है सर कि जो हमारी एक तरीके से हम लोग एक पेड़ की शाखा है, अगर जिस मतलब पेड़ के तने से हम जुड़े हुए हैं, शाखा में हम आ गए तब्दील हो गए हैं, तो शाखा में ही पत्ते आते हैं और जो फल फ्रूट है वो भी उसी शाखा पे आते हैं। आपने देखा होगा किसी शाखा पे पेड़ पे कुछ का आम जो होते हैं वो कमजोर रह जाते हैं, कुछ पत्ते कमजोर रह जाते हैं, या कुछ भी चीज है वो कमजोर रह जाती है। उसका कारण ये है कि वहां पर कोई ना कोई हमारे को बैक से सपोर्ट नहीं मिल रही, जो जड़ में पानी जा रहा है उसका हमारे को पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो ये जो हम अपनी जीवन में कैलकुलेट करते हैं पितृ दोष को, वो इस तरीके से कर सकते हैं जी कि आपकी कमाई करने का जो एक तरीके से जो आप कमाई कर सकते हैं वो आप 100 रुपये कमा सकते हैं रोज के, और आप कमा रहे हो सिर्फ 60 रुपये या 70 रुपये। उसका कारण ये है कि आपको कहीं ना कहीं ब्रेकेज ब्रेक मिल रही है, आपको ब्रेकेज हो रही है, आपके जो एक तरीके से पाइपलाइन है उसमें कहीं ना कहीं छीक है, और वहां से आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। ये उसी तरीके से है कि जैसे आपके पास एक सड़क है जिसमें आप 200 किलोमीटर तक की गाड़ी दौड़ा सकते हो, बट उस रोड पे आपको मैक्सिमम जो लिमिट मिली हुई है वो 120 किलोमीटर की मिली हुई है कि 120 से ऊपर आप नहीं जा सकते। आपकी गाड़ी चल रही है 80 पे, क्योंकि आपके जिस रोड पे आप चल रहे हो वहां पर आपको बार बार बैरियर मिल रहे हैं, बार बार आपको ब्रेक लगानी पड़ रही है। तो जो काम आपका 4 घंटे में होना चाहिए था वो उसके लिए आपको 6 घंटे 7 घंटे लगाने पड़ रहे हैं, तो आपका जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वो आपकी वेस्टेज है। और पितृदोष जहां पर होता है ना सर, तो वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि आपका कोई काम होना होगा, वो 1 हफ्ते में काम अगर होना होगा तो वो 1 हफ्ते में काम नहीं होगा, वो 10 दिन में काम होगा, 12 दिन में काम होगा, 15 दिन में काम होगा। और जेनेटिक प्रॉब्लम भी आपको आएगी, वो किस तरीके से कि अगर आपके पास ऊपर पितृ दोष है और आप 2 या 3 भाई हैं, तो आपके फैमिली में जो फीमेल चाइल्ड है, कन्या जो है वो ज्यादा होंगी, मेल चाइल्ड जो है वो कम होंगे। और अगर मेल चाइल्ड हैं तब वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, इसका मेन कारण जो है वो पितृ दोष होता है। वो आप इस मशीन से बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। आज मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और आपको इस डेमो में अभी बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हमने एस्ट्रोलॉजी को ही पकड़ा है कि कोई भी आएगा आपके पास तो अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा। जैसे हम परेशान होते हैं तो मंदिर जाते हैं, और अगर परेशान नहीं होते तो हम कहते हैं भैया मंदिर जाना कोई जरूरत नहीं है। आज की डेट में हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, और हमारी 1 लाख रुपए कमाने की क्षमता है तो ठीक है, हमारे को जाने की जरूरत नहीं है। बट क्या है कि वही 1 लाख रुपए से जब हम 50,000 रुपये आ जाएंगे, 40,000 रुपये आ जाएंगे, 30,000 रुपये आ जाएंगे, तब हमारे को लगेगा जी कोई प्रॉब्लम है, तब हम किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ते हैं या हम मंदिर जाना शुरू करते हैं। तो जो भी आएगा आपके पास वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, और हमारा काम जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये काम कैसे करता है। सर जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये एक हमारे शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ता है। जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको पकड़ता है, और ये जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जो ऑरा है, ऑरा का साइंटिफिक नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है।
और जो आपको मैंने सैंपल दिखाए हैं आगे लगाने वाले, वो इस तरीके से काम करते हैं कि कंप्यूटर और मदरबोर्ड को जोड़ने के लिए, मतलब एक तरीके से आपकी स्क्रीन और मदरबोर्ड को जोड़ने के लिए जो वायर आप यूज करते हैं वो वायर का काम करते हैं, और जो हमारी एयर एलिमेंट पे काम करते हैं। जो ये आप सैंपल देख रहे हैं इसमें कुछ खास नहीं है, बट एक मीडिएटर को बनाने के लिए, मीडिएटर को बनाने के लिए हमारे को उसको यूज करना पड़ता है। वो मीडियम जो है हमारे को बताता है कि सामने वाले की ऑरा में प्रॉब्लम कहाँ पर है, सामने वाले की ऑरा में संतान योग है नहीं है, संतान योग है या नहीं है, विवाह योग है या नहीं है, बिजनेस कौन सा करेगा, जॉब कौन सा करेगा। अक्सर मैं आपसे बात करता हूँ कि कोई एक पर्सन आपके पास आया, कुंडली लेकर के आया, और कुंडली जो है आपकी सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, और सूर्य जो है आपका लगन में ही बैठा है, सिर्फ एक प्लेनेट को मैं लेकर चल रहा हूँ, और जो आपके पास जन्मपत्री आई है वो एक तरीके से संधि लगन की आ गई, जैसे मान के चलिए कि 29 डिग्री 52 मिनट की एक कोई आपके पास कुंडली आ गई, जिसको 4 मिनट के अंदर अंदर आगे जाना ही जाना है। जो सिंह लगन आप देख रहे हो, सिंह लगन और जो लगन में आप देख रहे हो सिंह बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, जैसे ही 4 मिनट आपके ओवर होंगे तो वो आगे रोटेट हो जाएगा। आपको किसी ने टाइम बताया है या आपके पास जो कुंडली आई है उसमें 10:12 का टाइम आया, तो 10:12 के हिसाब से आपका जो सूर्य है वो लगन में बैठा है, लेकिन वो 10:14 पे पैदा हुआ है या 15 पे पैदा हुआ है, तो यही आपका सूर्य जो है वो आगे पहुंच जाएगा, वो 12 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आप उसको रेमेडी दोगे वो सूर्य की दोगे, तो सूर्य का रत्न आप उसको स्ट्रांग करने के लिए दे दोगे, भैया सूर्य आपका लगन में बैठा है, आप सूर्य को और स्ट्रांग कर लो, और यहाँ हो जाएगा उल्टा, क्योंकि वो 12वें भाव में सूर्य पहुंच गया, और सूर्य जैसे ही 12वें भाव में पहुंचा तो उसने अपनी जो रश्मियां है उसको खो दिया। सूर्य जहां पर उसको बेनिफिट देने वाला था वहां पर उसका लेने वाला बन गया। बट ये मशीन जो है आपको एकदम से बता देगी कि सूर्य जो है उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर सपोर्ट कर रहा है तो कितना परसेंट सपोर्ट कर रहा है, और उसको अगर हम सूर्य का माणिक्य पहनाते हैं तो वो उसके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। उसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है हमारा, हमने उसकी जो एनर्जी है उसको देखना है सूर्य में, ये मैं आपको कल सारा डिस्कस करूंगा आगे कि किस तरीके से हम स्टोन को देख सकते हैं, उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था सर, वो आपसे बात कर रहा था पितृदोष की। पितृदोष के बाद हमारे पास जो आता है सैंपल वो कालसर्प दोष और मांगलिक दोष का आता है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। कालसर्प दोष आपकी कुंडली में है या नहीं है, मान के चलिए कि 4 में आपका राहु है और 10 में केतु बैठा है, और 5 से लेकर के 10 से पहले 9 तक आपके पास सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं, बट जो सूर्य बैठा है वो आपका 10वें भाव में आ गया, और सूर्य जो है वो आपका 2 का है, और केतु जो है आपका 26 का है। राहु और केतु जो है वो हमारे 26 के हैं, और 10वें भाव में ही सूर्य बैठा है, वो जो सूर्य है वो सिर्फ 4 का है। तो सूर्य की जो चाल है वो सीधी है, सूर्य चंद्रमा की जो चाल है वो बिल्कुल सीधी है, तो वो 4-5 पे आएगा, 5-6 पे आएगा, 6-7 पे आएगा, 10वें भाव में रहेगा, लेकिन वो डिग्रियां उसकी बदलती रहेंगी। जैसे ही केतु जो है आपका 28 का है, तो केतु जो है वो 28-27 पे आएगा, उल्टा चलेगा, 27-26 पे आएगा, 26-25 पे आएगा, और 25 बाद 24 पे आएगा। तो यहाँ पर अगर आपका 10वें भाव में आपको कुंडली में दिख रहा है कि भाई सूर्य भी है और केतु भी है, डिग्री पे आपका ध्यान नहीं गया, तो आप एक बार में ही उसको बोलेंगे कि भैया यहाँ जो प्रॉब्लम है
वो आपका कालसर्प दोष की प्रॉब्लम आ रही है, बट यहाँ पर कालसर्प दोष है ही नहीं क्योंकि सूर्य उसका बाहर है, दसवें घर में जरूर बैठे हैं बट दोनों हैं बाहर, दोनों की जो डिग्री है वो आपस में बहुत दूर है। और अगर एक 14 डिग्री और एक 15 डिग्री पे आ जाएगा तब भी, मतलब सूर्य 14 डिग्री पे है और केतु 15 डिग्री पे है, तब भी ये मशीन आपको बता देगी कि भैया यहाँ पर कालसर्प दोष नहीं है। कालसर्प दोष अगर किसी की कुंडली में होगा तो ये पूरा खुलेगा, और कालसर्प दोष किसी की कुंडली में नहीं होगा तो ये नहीं खुलेगा। यहां तक क्लियर है सर? पार्थ, पार्थ मैं आप सर अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोगों के यहां तक कोई सवाल हो तो आप प्लीज कर सकते हैं। हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर। मेरा सर क्वेश्चन ये था कि सर इसमें हम वन टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं क्या सर? क्या जी? ये ओरा स्कैनर से वन टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं क्या? सर बीटीआर आप कर सकते हो, बट अगर आपको ये यही पता चल जाएगा कि बीटीआर की पोजीशन आपको सर संधि लगन में ही पड़ेगी। सर ये जैसे आपने बताया कि जो 4-5 मिनट का जो ये फर्क आता है संधि लग्न में, तो हम ट्रेस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उसकी कौन सा लग्न रहेगा सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो इसमें पॉजिटिव के सैंपल से, बट आप जो है प्लेनेटरी पोजीशन को भी चेक कर सकते हो कि भैया मैं जो सूर्य मेरे को 1 में दिख रहा है वो मेरे को 12 में है, तो 12 में अगर होगा तो सूर्य आपको नुकसान देगा और यही आपका 1 में आ गया तो वो आपको फायदा देगा। तो सर हम इससे पता कर सकते हैं कि मेरा सूर्य कहाँ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सर बिल्कुल बिल्कुल सर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि सूर्य आपका कहाँ पर है। देखिए ये अभी तक मैं जो क्लास ले रहा था वो मैक्सिमम 2 दिन की होती थी, बट अब हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा है। आप लोग पहले सवाल कर लीजिए फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। आप कितना सैंपल देते हैं? 300 सैंपल आएंगे आपके आपके पास ना, इसमें टोटल 300 रहेंगे सर। जी जी, थैंक यू। दो बॉक्स आएंगे वुडन के। सर ये कैसे पता चलता है कि सूर्य का कुंडली में कहाँ है? सर देखिए आपके पास सूर्य आपको कितनी पावर दे रहा है आपको ये पता चलेगा। मान के चलिए कि सूर्य आपका, आपके पास कुंडली नहीं है, किसी की भी कुंडली नहीं है, आपको यही नहीं पता कि किसी की पावर उसको कितनी मिल रही है। आप एक ग्राफ बना सकते हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सूर्य उसको 40% दे रहा है, सूर्य उसको 60% दे रहा है, मंगल उसको 30% दे रहा है, और आपका चंद्रमा उसको 80% दे रहा है। तो ये आप एक ग्राफ बना सकते हैं, वो ग्राफ आपका इसी तरीके से बनेगा जितना ये स्कैनर आप अपने आप से एक दूसरे से दूर गए। सर एक चीज बताइए सर, अगर जैसे नेगेटिव प्लेस है या पॉजिटिव ऑरा है या कुछ, इसका रेमेडी या इससे हमें फर्क क्या पड़ता है? देखिए मैडम, रेमेडी करने से आपके जो बैरियर है, जो आपकी सड़क है वो क्लियर हो जाएगी और आप बिल्कुल स्मूथली चलने लगेंगे। जैसे आपने बताया ये प्लेस इतनी नेगेटिव है, 30% पॉजिटिव है, तो इससे हम क्या क्या माफ करना है, क्या देखिए होता कैसे? देखिए इसमें ऐसा होता है कि एक जो लेवल है हमारा 40% का, 40% पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारे पास है और अगर हमारे पास 40% से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ गई, 40% आ गई, 60% आ गई, तो वो हमारे को प्रॉब्लम देगा। ट्राई करते तो हमारे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आएगी, वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, वो हमारे जेनेटिक ग्रोथ से हो सकती है, वो हमारे हेल्थ इश्यू से हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। जी सर, और किसी का कोई सवाल? मैडम आवाज क्लियर नहीं है आपकी। ये सर जो बात करे उसी को अनम्यूट कीजिए, बाकी को म्यूट कर दीजिए। बिल्कुल सर वही कर रहा हूँ मैं। आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक एक करके सबको सबसे बात करता हूँ सर। राज जी आप सबसे पहले आप बताइए। राज शाह जी, हेलो
किरागी आप बताइए। चित्रा जी, चित्रा जी सॉरी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहला तो क्वेश्चन ये था मेरा कि ये जो स्विंग हो रहा है ये हम स्विंग कर रहे हैं या अपने आप स्विंग हो रहा है? मैडम देखिए, अगर आप किसी भी चीज को स्विंग करेंगे ना तो आप बार बार उस लेवल पर नहीं आ सकते। ओके। जैसे मैंने अभी आपको पॉजिटिव एनर्जी चक्कर दिखाई थी या नेगेटिव एनर्जी चक्कर दिखाई थी, तो पहली बार में अगर 70% आई है तो दूसरी बार में भी 70 आएगी, तीसरी बार में भी 70 आएगी, चौथी बार में भी 70 आएगी, जब तक आप वहां पर कोई रेमेडी नहीं करेंगे। और अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूँ, मैंने जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर चेक करी थी ये फिर दोबारा से नेगेटिव को सैंपल में लगा रहा हूँ। जी सर, ये जो जब पैरेलली ऐसे स्विंग करते हैं ना सर स्टार्टिंग में, तो ये अपने आप करते हैं या हमें उनको स्विंग करवाना होता है उसके बाद ये रिजल्ट देते हैं ऊपर? ये इसको जो एनर्जी मिलेगी ये अपने आप काम करेगा। ओके, मतलब ये अपने आप ही हिलना शुरू हो जाता है। मैं इसको 91 डिग्री पे ले जाऊंगा, 90 डिग्री ये है और 91 पे मैं ले जाऊंगा तो ये अपने आप इसकी जो मूवमेंट है शुरू होगी। हमारे को ये नहीं चाहिए, हमारे को इसको 85 डिग्री पे रखना है। ये 90 से हल्का सा नीचे, आगे से आप टिल्ट देख रहे हैं जी। अभी आपने यहाँ नेगेटिव एनर्जी देखी थी कितना परसेंट थी, आप दोबारा देखिए कितना परसेंट नेगेटिव एनर्जी आएगी। अभी नहीं हो रहा है। ये देखिए लगभग 30% जो पहले आया था रिजल्ट वही है। वही है, यस सर वही है। ठीक है, अब आप जब हम क्लास क्लोज करेंगे तो आप मेरे को याद करा दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको ये कर दिखाऊंगा। जी सर। सर एक चीज और थी कि जैसे हम वास्तु करते हैं तो हम जोन वाइज मतलब महावास्तु में, वैदिक में भी और महावास्तु में हम बेसिकली ज्यादा ध्यान देते हैं, 16 जोन करते हैं, तो जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर वहां देखते हैं तो वो बेसिकली प्रॉब्लम वहां रहती ही है। तो क्या हम इससे केवल यही घर बैठे ही हम उस चीज को कर सकते हैं या फिर हमने जो जोन निकाला है हम वहां जाके फिर एनर्जी भी चेक कर लें कि यार ये वाकई जो हम निकाल रहे हैं ये सही है या नहीं, या जो वो कलर्स हैं या जो मेटल्स हैं वो वाकई उतना नुकसान पहुंचा भी रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल मैडम, कैसे करेंगे इसके साथ? देखिए आप जो हमारी जो डायरेक्शंस है ना, जो 16 डायरेक्शंस हो गई हमारी, आप उसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और उसके आगे की जो 8 डायरेक्शंस है उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। सबसे पहले तो आपको ये डायरेक्शन निकाल कर दे देगा कि ये डायरेक्शन यहाँ पर बैठ रही है, जो कि स्पैन जो है आपका, अगर आप 4 डिग्री 4 दिशाओं को लेंगे तो 90 डिग्री का हो गया, 8 दिशाओं को लेंगे तो वो 45 डिग्री का एक स्पैन हो गया, और अगर 16 डिग्री को लेंगे तो 22.5 डिग्री का एक स्पैन हो गया। तो 22.5 से जरा सा आप लेफ्ट या राइट जाएंगे, अगर आपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट लगाया है इसमें तो 22.5 डिग्री से जरा से भी आप आउट जाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे, और वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि वास्तुदोष है भी या नहीं, और अगर वास्तुदोष है तो किस चीज से है। वहां पर सोफा रखा हुआ है तो उसके कारण वास्तुदोष आ रहा है, वहां पर वॉशिंग मशीन रखी है तो उसके कारण वास्तुदोष आ रहा है, तो जो भी वास्तुदोष आ रहा होगा ना तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो जोन वाइज जब ये डिवाइड करके हमें अपने आप बताएगा तो उसके भी स्लॉट्स हैं आपके पास, मतलब आइटम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं? बिल्कुल मैडम, उसको रेमेडीज तो है ही ना हमारे पास। जी 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 सर, इस पूरे के साथ जो आपने ऑयल्स वगैरह सब दिखाए थे वो भी हमको अवेलेबल होगा उस बॉक्सेस में? नहीं मैडम, ऐसा है देखिए, मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ ना ये हमारे सैंपल्स हैं, जिसमें 300 सैंपल्स हैं सिर्फ आपको डायग्नोज करने के लिए। जी, इसके अलावा जो रेमेडीज होंगी सारी सारी अलग हैं। अच्छा, तो आपको टाइम टू टाइम परचेज करना होगा। अच्छा, मतलब जो अभी हमने अभी जो हमने परचेजिंग की है इस आइटम की, उसके अंदर वो रेमेडियल सेक्शन के आइटम्स नहीं है? नहीं, वो नहीं होगी मैडम इसमें। ओके, तो आपको जो रेमेडी चाहिए वो आपको मिल जाएगी इसमें। देखिए ये सेशन जो हम लोग रखते हैं ये 2 दिन का रखते थे पहले, जिसकी फीस हम 500 रुपए रखते थे, बट थोड़ा सा हमने इसमें चेंजेस करा है। अब ये जो आपके पास क्लास चलेगी ये 7 डेज की क्लास चलेगी, जिसमें से हम आपको 5 दिन तो ऑरा स्कैनर के बारे में बताएंगे, डिटेल में सारी चीजें होंगी उसके अंदर। बस ये है कि हम फालतू की बात नहीं करेंगे, मतलब फालतू की बात का मतलब ये है हा हू हुई, मतलब तो 4 दिन हमारे पास बहुत एफिशिएंट है इस चीज को समझने के लिए। एक दिन हम आपको देंगे इसमें वास्तु के जो ऑयल्स वगैरह, वास्तु की जो रेमेडीज है उसके लिए। ठीक है सर।
पांच दिन हो गए, आपके छठे दिन हम आपको जो हमारे एक नागपुर से सर हैं वीएन मिश्रा जी, उनके साथ आपको जोड़ेंगे जो कि आपको हीली एक डिवाइस है उसके बारे में बताएंगे, और एक दिन हम आपसे बात करेंगे न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन। अच्छा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है वो आप किसी भी पर्सन के घर गए बगैर आप उसको बता सकते हो कि भैया इस जगह पे आपका डिफेक्ट, मतलब ये आपका जो डायरेक्शन है वो गलत है या उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ से निकलेगी और डेट ऑफ बर्थ से ही उसकी बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। तो ये 7 दिन का हमारा सेशन रहेगा एक, जिसकी फीस हमने सिर्फ 500 रुपीज रखी है, और उसी में ही कल से आप लोगों की इस तरीके से जो जो ज्वाइन करेंगे उनको भी हम इस तरीके से फोटोज मंगाएंगे, और ये फोटोज आपको भेजनी है व्हाट्सएप पे, हम फोटो का प्रिंट आउट लेंगे फिर आप लोगों के साथ। देखिए आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अभी तक मैं इंडिया में लगभग 500 से ऊपर वर्कशॉप कर चुका हूँ, जिसमें से लगभग मान के चलिए कि 2 से 2500 एस्क्लोजर्स का मैंने पितृदोष निकाला है, और जो पितृदोष से उनको बेनिफिट हुआ है उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। ओके सर, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, छुपी हुई है, बट उसको डायग्नोस करने का कोई हमारे पास साधन नहीं है, या जो हम भी जो हम डायग्नोस करते हैं वो हमारे को पूरी बात पता नहीं चल पाती, तो हम उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं, हम उसका रेमेडी भी ले सकते हैं, और सबसे पहले बेनिफिट हमारा ही होगा। इसमें आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज ये आज की डेट की जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। मंडे से जो क्लास होगी, कल से जो क्लास होगी वो पेड होगी, वो एक हफ्ते की क्लास होगी आपकी, मंडे टू सैटरडे 6 दिन की। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, जैसे हम वास्तु में बाकी चीजों को हम देख लेते हैं, जैसे किसी भी पर्सन को अपना ऑफिस खोलना है तो हम उसकी डायरेक्शन बता देते हैं कि जैसे आप साउथ वेस्ट में खोल लीजिए, ज्यादा कनेक्टिविटी चाहिए आपको, क्लाइंट्स चाहिए, फुटफॉल चाहिए, आप ईस्ट में कर दीजिए, तो उसको वहां बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए ये हम इस ऑरा स्कैनर से फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी मैडम, एक हमने बहुत छोटा सा इसमें एक सैंपल बनाया है जिसको हम बॉस सिटिंग कहते हैं जी। तो बॉस सेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेंटर पॉइंट पे गए ऑफिस के और बॉस सेटिंग के लिए सबसे अच्छा प्लेस आपने देख लिया। okay. अब बॉस को फिर आपको सीट पे बिठाइए और जो रिवॉल्विंग सीट होगी उसको पूरी चारों डायरेक्शन में आप घुमा दीजिए। अच्छा, इस okay. तरफ उस बॉस का मूव करने से 100% आपको एनर्जी मिले, वो आप उस डायरेक्शन पे बैठा दीजिए। तो प्रैक्टिकल करके बताएंगे सर क्या ये आप, क्योंकि मैडम ये आपको जब ये कल परसों वाला जो सेशन आएगा ना उसमें सारा मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ओके, उसमें सारी चीजें होंगी। देखिए आज जो हम इंट्रोडक्ट हो रहे हैं आपसे वो इसलिए हो रहे हैं कि आप लोगों को इसके बारे में पता चले कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपने सवाल करा उसका सोल्यूशन है इसके पास, बट ये है कि आपको रेमेडी मतलब चलाना किस तरीके से, सबसे पहला तो वो हमारे लिए है, फिर दूसरा आप इसको 100% ठीक चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, तभी आप अपने कस्टमर को फायदा देंगे, और सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए हमारे को अगर आप 500 रुपीज की फीस देंगे तो हम उसमें आपको स्कैन करके बताएंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, नेगेटिव एनर्जी कितनी है, कोई पितृदोष बंधन दोष या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण आपको आपके बिजनेस में 100% प्रॉफिट नहीं मिल रहा, या आपको टाइप ऑफ बिजनेस किस तरीके का। ठीक है सर, मैंने इंस्ट्रूमेंट के लिए तो पे कर ही दिया है, इसके लिए भी मैं कर दूंगा। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट के लिए पे कर दिया है तो आपके लिए क्लास फ्री है। हाँ सर, वो तो मैं पे कर चुकी हूँ, मैं आपको इसमें ग्रुप में स्लिप भेज दूंगी उसकी। आप कोई बात नहीं मैडम, ठीक है सर। ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते, अगर आपके पास पुराना इंस्ट्रूमेंट भी है हमारा तब भी आपके लिए क्लास। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू जी। सर अग्रवाल सर आप कुछ कह रहे हैं? अंजना जी आप कुछ कह रही है मैडम? किसी का और कोई सवाल जी? नवीन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो जी सर, हेलो आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी हाँ आवाज आ रही है सर। सुन पा रहे हो ना आप मुझे? ठीक है सर, मुझे ये जानना था जैसे मुझे मैं भी आज सर अब आवाज चली गई आपकी।
मैं आज आपसे जुड़ा हूँ तो ये ओरस कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता लग रही है कि कैसे। नवीन जी आपको टाइप करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आवाज नहीं आ रही सर? सर हेलो, स्टार्ट होती है फिर बंद हो जाती है। अच्छा बंद हो जाती है, अभी अभी ठीक आ रही है। हेलो जी सर, अभी आ रही है सर आवाज? सर स्टार्ट होती है फिर थोड़ा सा कम हो जाती है। अब बोलिए सर, बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता था, जैसे आपने भी बोला है कि मैंने 2000 एस्ट्रोलॉजर के ऊपर वर्क किया और जो वर्क शो पे करके आपने कुछ दिन से काला ओरस कहना चाहिए। सर नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, आप टाइप कर दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है हमारा उसमें आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं आपके बात को समझ लेता हूँ। और किसी का कोई सवाल? हेलो जी सर। हेलो जी सर, बोलिए। हेलो सर जी। हाँ सर, मैं सोलापुर से बात कर रहा हूँ जी सर। ये जो ब्लैक मैजिक का रहता है जी, इसका जो वो उसका रेमेडीज कैसा होता है? ब्लैक मैजिक किया है वो उसमें वो दिखता है ना वो इसके ओरा स्कैन में? सर ब्लैक मैजिक जो है हमारे ओरा स्कैनर से एकदम से पता चल जाता है। अभी मैंने आपको एक सैंपल दिखाया था बंधन दोष का। हाँ वही बंधन दोष। बंधन दोष का मतलब ब्लैक मैजिक ही है। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होगा तो वो 100% होगा या 0% होगा। और ब्लैक मैजिक अगर किसी के ऊपर होता है ना सर, तो सबसे पहले उसकी जो अर्निंग है वो खत्म होती है, फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम आती है अपना हेल्थ की, और उसके बाद वो बंदा निकल जाता है और जो प्रॉब्लम वो रहती रहती है। हाँ जी। तो बंधन दोष को रिमूव करने के लिए सर हमारे पास दो तरीके की रेमेडीज है। एक तो ये हनुमान जी का बूस्टर है। ओके सर, आपको जेब में रखना होगा। और ये जो दो रॉड्स है, रॉड आपको परचेज करनी पड़ेगी सर, ये 9 inches की रॉड है हमारी। ओके इसको आप परचेज करेंगे और इसको एक आपको घर पे लगानी होती है, एक आपको अपने पलंग के पास रखनी होती है। ओके तो ये आपके क्राउन चक्रा को धीरे धीरे ठीक करती है और आपका बंधन दोष जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये फिर 100% काम करता है कैसा बोले? तांत्रिक लोग हर एक 100% काम करेगी नहीं, अलग अलग वो प्रक्रिया से करते हैं ना वो? कैसा सर, वो चाहे कोई भी प्रक्रिया करी हो बट उसने किसी ना किसी नक्षत्र पे आपकी एनर्जी को छेड़ा हुआ, आपके ऑरा को छेड़ा हुआ, वो नक्षत्र आपका एक बार पार होना जरूरी है। जैसे ही वो नक्षत्र पार होगा आपको उसकी रेमेडी मतलब उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके और वो पेट में जो देते बोलते हैं ना उसमें किया खिलाया पिलाया रहता है बोलते हैं वो भी इसी से रिमूव हो जाता है। वो देखिए अगर पीवाई किसी के अंदर है, छाछ योग है, वो एक अलग चीज है। अगर बंधन दोष है तो उसकी रेमेडी हमारे पास है। वही सर वो सर प्रॉब्लम है मुझे वही। सर आप फोटो भेजेंगे तो उसे स्कैन हो पाएगा ना? ठीक है सर मैं आपको भेज देता हूँ। आप सोच रहे हैं कि आपको है, हो सकता ना भी हो, क्योंकि अभी पिछली मीटिंग में एक जेंट्स थे वो कहने लगे जी कि मेरे को पितृदोष है, और जब मैंने चेक करा तो उनको पितृदोष था ही नहीं, ना उनको था, ना उनके फादर को था, ना उनके बेटे को था। तो प्रॉब्लम थी बंधन दोष। क्यों बोले तो मैं जब भी बोले तो बिजनेस का सेट नहीं हो रहा बहुत सालों से सर तो... वो देखिए स्कैनिंग करनी पड़ेगी, उसमें ही पता चल पाएगा। ओके सर ओके, आपको आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ व्हाट्सएप फोटोज वगैरह? सर व्हाट्सएप नंबर मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप किसी भी नंबर पे बात कर सकते हैं। ग्रुप में तो आप जुड़े हुए होंगे ही? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो सर ग्रुप में आप भेज सकते हैं। ठीक है जी सर, किसी और का कोई सवाल? थैंक यू सर। अंजना जी आपका कोई और सवाल तो नहीं है जी? सर बोलिए। हेलो जी। सर एक चीज बस मुझे ये पूछना है सर, ये जो मतलब 7 दिन की क्लासेस देंगे, एक्चुअली क्या है ना मेरे यहाँ पे ना नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, तो कभी थोड़ा सा वीडियो चलता है और कभी वो हो जाता है। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगी सर आपको? रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डालेंगे, उसका लिंक भी देंगे सर आपको। जो 7 days की क्लास है कोई पूछ रहा है जी हमारे से उसकी कॉस्टिंग क्या है, तो उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 500 rupees, 500 rupees। उसके चार्जेस और उसका जो पेटीएम नंबर वगैरह है वो मैं आपसे अभी ग्रुप में डिस्कस कर लूंगा सर। ठीक
जी 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 और किसी का कोई सवाल? सर आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा और आगे चलाएं क्लास को। देखिए सर, ऑरा स्कैनर जो है ये हमारी ऑरा पे काम करता है और ऑरा को सब कुछ पता है। अभी जैसे आप लोगों के साथ जो डिस्कशन हुआ है उसमें ये चीज निकल के आई है कि किसी का लग्न कहाँ पर है या किसी का कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है, तो वो सब चीजें इस स्कैनर से आप निकाल सकते हैं। इस स्कैनर से आप एक और रेमेडी ले सकते हैं, वो इस तरीके की है कि मान के चलिए कि आपने डायग्नोस करा कि पन्ना किसी को पहनना है। अब पन्ना जो है वो इसमें इस स्कैनर के थ्रू 40% खुल रहा है और 40% खुलने के बाद वो पन्ना जो है आपको 40% से 70% पे ले गया, या आपके पास तीन तरीके के पन्ना सामने वाला लेकर के आ गया कि भैया इन तीनों में से चेक करके मेरे को बताओ कि सबसे अच्छा कौन सा पन्ना मेरे लिए यूजफुल है। तो सर आप क्या देखेंगे उसको, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप उसकी क्लियरिटी को देखेंगे, आप उसकी वेट को देखेंगे कि भैया वेट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप उसके कलर को देखेंगे कलर ठीक है या नहीं है, वो डुप्लीकेट है या नहीं है, वो आप शायद अपना चेक ना कर पाए, बट ये स्कैनर जो है आपको ये बता देगा। मान के चलिए कि ए बी सी तीन ग्रेड के उसने स्कैनर आपके पास पन्ना लेकर आया और पन्ना जो आपने उसकी उसके पास ए ग्रेड वाला उसको पकड़ा दिया, तो जो ये 40% आपको स्कैनर बता रहा था वो 40% से 70% हो गया, और बी ग्रेड वाला जो है वो 40% से फिर 60% पे आया, और सी ग्रेड वाला जो है वो 40% से 100% पे हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप 100 रुपीज वाला, मतलब जो सबसे सी ग्रेड वाला है वो अगर आप उसको पन्ना दोगे तो वो भी उसके लिए बेनिफिशियल। अभी मैंने अपने बेटे को, दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को ये पन्ना इस मशीन से चेक कर दिया है, तो एक को तो सिर्फ जो पन्ना था वो 250 रुपए वाला पन्ना, आपको विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ 250 रुपए का जो एक पत्थर था वो उसके काम में आ गया जो उसकी ऑरा को 100% स्ट्रांग कर रहा था, और दूसरे को 6500 रुपए का आया। तो ऐसा नहीं है कि आप बेटा इधर आ जाओ, तो ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट किससे है ये पता नहीं चलेगा, आपको 100% पता चल जाएगा कि आपको बेनिफिट किससे है, 250 रुपए वाले से है, 6000 वाले से है, 10000 वाले से है, 20000 वाले से। पर हमारे को क्या है कि हमारे को एक तरीके से डायग्नोस करना है कि सामने वाले को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो हमारे पास और कस्टमर भी भेजेगा, और अगर आपको उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो और कस्टमर आपके पास नहीं भेजेगा, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है। अगर आपके पास रिपीट कस्टमर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो काम करने का सिस्टम है वो बिल्कुल ओके है, और अगर आपके पास रिपीट कस्टमर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपके आपका काम करने का सिस्टम सही नहीं है। पर एक बार और सवाल आया है कि जो स्कैनर मतलब 7 डेज की क्लास है वो उसका प्राइस कितना है? उसका सिर्फ 500 रुपये फीस हमने रखी है, जिसमें हम आपको एक दिन हीलिंग के बारे में बताएंगे, हीलिंग के बारे में बताएंगे, एक दिन आपको न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, जिसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप किसी भी पर्सन को उसके घर गए बगैर आप ये बता सकते हो कि कहाँ पर उसके घर में वास्तु दोष है। अगर वो वास्तु कंसल्टेंट है तो उसने अपना उस चीज को ठीक कर लिया होगा, और अगर वास्तु कंसल्टेंट नहीं है तो उसको वहां पर प्रॉब्लम रही रही। अब जैसे मेरा, अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरा जो ग्रेड है उसमें सिर्फ 6 नंबर कम है, लोशो ग्रेड कहते हैं हम उसको, उसमें सिर्फ मेरा 6 नंबर मिसिंग है, और 6 नंबर में मेरा ऑफिस बन गया और ऑफिस में मैं अब बैठ नहीं पाता। तो ये जो है एक रेमिडियल पार्ट भी आपको बताया जाएगा उसमें, उसके बारे में। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सीख सकते हैं, 500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं, और अगर आप हमारे ये स्कैनर लेंगे या 5000 रुपये से ऊपर की कोई परचेज आप हमारे से कर लेते हैं तो वो 500 रुपये भी आपके एडजस्ट हो जाएंगे। ये फीस मैंने इसलिए रखी है कि जो जरूरी समझना चाहते हैं, जिनके पास टाइम है, जिसके जिनकी में कैपेबिलिटी है, वो आगे आके सीख सकते हैं। अदरवाइज तो देखिए आज की नॉर्मल क्लास है, उसके बाद कोई भी क्विट कर सकता है। तो सर मैं आपको बता रहा था स्कैनर के बारे में।
सर ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये मैं अभी आपको प्राइस लिस्ट वगैरह सब भेज दूंगा। अभी थोड़ा सा मैं क्लास को और बढ़ाता हूँ, आपको एक प्राइस लिस्ट भी मिल जाएगी इस क्लास के बारे में, आगे हम क्या पढ़ाएंगे वो भी मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है और किस तरीके से आप अपना खुद को फायदा दे सकते हैं, अपने बच्चों को फायदा दे सकते हैं इसमें। सर देखिए, आपके पास कोई कस्टमर ऐसा भी आएगा जिसने अभी अपनी एजुकेशन पूरी करी है, और एजुकेशन पूरी करने के बाद उसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, उसको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, तो उसका मैं आपको एक एक्सपायरी मतलब जो मेरे साथ बीता है वो बताता हूँ। एक हमारे क्लास में सर हैं, वो आए थे, नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करूँगा। वो आए, उन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन करी, और जब हमने उनका सबका बिजनेस जॉब बिजनेस सक्सेस और जॉब सक्सेस वाले हम सेक्शन पे आए, तो वो भी आए हमारे पास स्कैन करने के लिए। तो हमने उनका बिजनेस सक्सेस चेक करा तो वो 90% आया, और जॉब सक्सेस चेक करा तो वो 70% आया। तो जब अभी हमारी मीटिंग चली रही थी तो वो कहने लगे जी कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम नहीं करता। मैंने कहा जी कैसे, तो उन्होंने कहा जी आपका इंस्ट्रूमेंट मेरे को बता रहा है कि मेरा बिजनेस 90% है और जॉब मेरा 70% है, जबकि मैं सरकारी जॉब में हूँ और मेरे को 80,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है, 58 साल की मेरी उम्र हो गई है, 2 साल मेरे रह गए हैं, तो अब इस उम्र में मैं क्या आपकी इस मशीन के ऊपर विश्वास करूँ। मैंने कहा जी कोई बात नहीं सर, आप थोड़ा सोचिए उसके बाद जवाब दीजिए। तो 10 मिनट बाद वो दोबारा खड़े हुए और कहने लगे जी कि आपकी मशीन बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी मैंने अपनी कैलकुलेशन देखी है, मैं एस्ट्रोलॉजी में केपी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, वैदिक भी पढ़ाता हूँ, और सिर्फ साल में 2 महीने पढ़ाता हूँ, इन 2 महीनों में मेरी जो इनकम है वो 2 लाख क्रॉस कर जाती है हर महीने, और जब मैं बिजनेस करता हूँ तो इसका मतलब मेरी इनकम बढ़ गई, और जब मैं अपनी सर्विस पे जाता हूँ तो मेरे को 80,000 रुपये महीना मिलना है, वो तो मिलना ही मिलना है। तो कहने का मतलब ये है कि आज उनकी जो एज है वो मतलब 58 साल की उम्र हो गई उनकी, 58 साल में लगभग 28 साल तो उन्होंने 28 या 30 साल तो उन्होंने सर्विस दी होगी अपनी, तो अगर 30 साल पहले वो इस मशीन से पूछते तो इस मशीन से आपको उनको जो आंसर मिलता वो बिजनेस सक्सेस के लिए मिलता। अगर वो 2 लाख रुपए महीना आज की डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं और 80,000 रुपए महीने की उनको सैलरी मिल रही है तो 1,20,000 रुपए का उनको नुकसान है, तो आप 28 साल में लगा लो सर कि उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी पर्सन आए, अगर वो न्यूली है और उसको काम करना है, वो काम करने के लिए उसको बिजनेस में जाना चाहिए जॉब में जाना चाहिए वो एकदम से बता देगा। और बिजनेस भी आप कुंडली में अगर आप देखेंगे तो कर्म भाव हमारा 10वां भाव। अब 10वें भाव में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है या जिसका घर है, पहले आप देखोगे कि भैया वो शुद्ध बैठा है नहीं बैठा, फिर आप उसका काम बताओगे उसको कि भैया ये शुद्ध बैठा हुआ है इसका काम कर लो, या इनकम ऑफ सोर्सेज देखोगे आप 11वें भाव की, तो 11वें भाव का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वो ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपकी नज़रों से त्रुटि हो सकती है, बट ये मशीन से आपकी त्रुटि नहीं होगी। आपने अगर उसको चेक करा तो चेक करने के बाद आपको पता चला कि भैया मतलब आपने सवाल करने हैं, वो सवाल किस तरीके से होते हैं वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले सवाल के बारे में बात करता हूँ कि आपने सवाल करा इस मशीन से कि भाई चंद्रमा का काम, दूध या पानी का काम अगर ये बंदा करे तो कितना परसेंट सक्सेस जाएगा, तो मशीन अगर 90% खुल गई तो आप उसको कह सकते हो भैया दूध और पानी का काम कर ले, और यही आपने वो आपके पास आया उसने ऑप्शन दिया कि भैया लोहे का काम करूँ, तो आपने उसके लोहे के काम के लिए पूछा तो लोहे के काम से आपको पता चल गया कि ये सिर्फ 40% दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका सेटन सही जगह पे नहीं है, तो दूध और पानी के काम से उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। अब सर एक ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप में आपको चांदी भी सेल करनी है, आपको सोना भी सेल करना है, आपको हीरा भी सेल करना है, आपको बेनिफिट किससे होगा? चांदी से होगा, आपका चंद्रमा अगर स्ट्रांग है तो चांदी से होगा, आपका बृहस्पति अगर स्ट्रांग है तो आपका सोने से होगा, अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है तो आपको डायमंड से होगा। तो आप ज्वेलर्स को भी ये बता सकते हो कि भैया तू ये चीज बेच ले ज्यादा, अगर किसी का बुध स्ट्रांग है तो उसको कम्युनिकेशन वाले काम में आना चाहिए,
या उसको ट्रेनिंग के काम में जाना चाहिए, कंप्यूटर के काम में जाना चाहिए। इसी तरीके से आपका सर्विस का है कि सर्विस में अगर कोई आदमी सर्विस के लिए पूछने आया आपके पास कि सर्विस में मेरे को क्या करना चाहिए, तो सर्विस में भी आपको अगर वो किसी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाना चाह रहा है, ये अकाउंटेंट बनना चाह रहा है या सीनियर सीनियर मोस्ट पोस्ट पे जाना चाह रहा है, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि भैया सूर्य उसका मजबूत है तो वो सीनियर पोस्ट पे जाएगा, अगर बुध उसका मजबूत है तो वो अकाउंट्स में आ जाएगा, और अगर उसका सैटर्न ज्यादा मजबूत है तो वो फिर लाइनमैन भी बन सकता है, क्योंकि लाइनमैन जो है मतलब है तो सारे सारे सैटर्न से रिलेटेड, बट क्या है कि जहां पर लेबर ज्यादा हो गई वो सैटर्न का काम हो गया। तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू, भाई आप ये काम कर सकते हैं बिजनेस जॉब उसके सक्सेस के बारे में आप उससे बात कर सकते हैं। सर ये मशीन जो है आपको आपके चक्रास के बारे में भी बताती है, चक्रास हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, कौन सा चक्र आपका वीक है, उससे रिलेटेड आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सारी सारी कैलकुलेशन जो है आप इस मशीन के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं? पार्थ सर जी, सर ये जो मशीन है इसमें मतलब कुछ मैकेनिज्म होता है या जो सैंपल है उसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से अलग अलग जो ऑप्शन हम उनको देते हैं उस हिसाब से वो जवाब देते हैं? ये सर ऐसा है, ये मशीन जो है वो आपका मैंने सबसे पहले बताया तो आपको कि ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है जी, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जी। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने के लिए हमारे को कोई ना कोई वायर की जरूरत है, कोई ना कोई सैंपल की जरूरत है, तो आप उसको जोड़ सकते हैं आपस में, आप दोनों के सैंपल तो आपको कनेक्शन मिल गया एक तरीके से, आपकी तो एक तरीके से वायरिंग है वो पूरी हो गई, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को संतान योग है या नहीं, मेरे को मेरा विवाह योग है या नहीं। तो इसके लिए हमने जो सैंपल्स बनाए वो 300 टाइप के अलग अलग सैंपल बनाए। अच्छा, तो वही ना फिर मशीन में जो हम वो सैंपल बिठाते हैं ना, तो सैंपल के अंदर ऐसी कुछ चीज होती है जो अलग अलग इमेज है, जैसे अच्छा। बच्चा है हमारा, बच्चे का हमारे को संतान योग देखना है तो बच्चे की इमेज है। अच्छा अच्छा, अब उसी में अगर आपको विवाह का देखना है तो 7 फेरों का जो हमारा होता है बंधन, और यही पॉजिटिव एनर्जी देखनी है तो स्वास्थ्य सीधा है। अच्छा, और यही आपको देखना है कि स्वास्थ्य उल्टा है। नेगेटिव देखने के लिए स्वास्थ्य उल्टा है। अच्छा, मतलब डाउजिंग में जैसा हम करते हैं उससे थोड़ा अलग है, इसको ऑन ऑफ करने की सुविधा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डाउजिंग तो सर देखिए एक मान के चलिए नर्सरी क्लास है, और ये आपका बीकॉम पास है। अच्छा अच्छा सर, वही जानना था। डाउजिंग में क्या होता है कि आपको सामने वाले को लगता है कि भैया आप हाथ से इधर रहे हो, 100% उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बट इस मशीन से आप काम करोगे तो उसको 100% सेटिस्फेक्शन होगा जी। जो दिखता है सर वो बिकता है। जी, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे जी। चलाना आपको सही तरीके से आना चाहिए, मेरा एक बार बार मैं इसी बात पे आता हूँ कि 85 डिग्री में ही पकड़ना है आपको, उसके बाद आप रिजल्ट कुछ भी ले सकते हैं ये सर जी। अगर आप ये मशीन परचेज करेंगे ना तो आपको कम से कम 1 या 2 दिन में आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी। बिल्कुल सही है, सेंटर पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट आप निकालेंगे, सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आपको जो है डायरेक्शन का पता चल जाएगा, भैया नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, और जो आपका ब्रह्म स्थान है वो आपका अगर पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग का भी अलग निकल जाएगा, हर कमरे का भी अलग निकलेगा जी। बिल्कुल सही, अगर आप 2 कमरों को जोड़ दोगे तो और उसमें कट आएगा तो वहां पर 3 हो जाएंगे। अच्छा, ब्रह्म स्थान, और ये तीनों ब्रह्म स्थान आपको निकाल कर देंगे। अच्छा, कुछ वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें हमने सेंटर पॉइंट निकाला किसी होटल का, होटल का जो सेंटर पॉइंट है वो एक कट होने के कारण 3 बार निकल के आया। अच्छा, कमांड हमारे को देनी पड़ती है। हाँ, ये कमांड किस तरीके से दी जाती है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो सर हमारी ऑरा है, ऑरा एक तालाब है, तालाब का मतलब ये है कि वो बिल्कुल शांत पानी है, वहां पर अगर आप एक कंकड़ डालेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगी, तो वाइब्रेशन काफी दूर तक जाएगी। इसी तरीके से जब हम ये स्कैनर है, इसके अंदर ना तो कोई माइक है ना कोई स्पीकर है, ना तो ये सुन सकता है ना ये बोल सकता है,
बट क्या होता है कि जो हम सवाल करते हैं वो सामने वाले की ऑरा से सवाल कर रहे हैं, और सामने वाले की जो ऑरा है वो हमारे को बता रही है कि भैया ये चीज इसमें प्लस है या माइनस है। वो वाइब्रेशन जो पैदा होती है उससे पता चलता है। जैसे मान के चलिए कि अभी हम कल डेमो करेंगे, आप लोग अगर अपनी फोटोज वगैरह भेजेंगे तो उसमें ये होगा कि पितृदोष अगर आपका निकल के आया तो सबसे पहले तो 100% पितृदोष निकल के आएगा या नहीं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर जो पितृदोष है वो किसी महिला का है, किसी पुरुष का है। कहने का मतलब ये है आपके दादाजी, दादी जी, परदादा, परदादी, जो भी आपके जेनेटिक में आ रहे हैं, जनरेशन में आ रहे हैं वो उनका। फिर उसमें उनको क्या चीज चाहिए, कोई रोटी से सेटिस्फाई हो जाता है, कोई पूजा से सेटिस्फाई हो जाता है, कोई किसी और दूसरी चीज से सेटिस्फाई हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किसी का निकाला था तो उनका तीन जनों का पितृदोष शायद निकल के आया था। दादाजी थे, उन दादाजी का नहीं था, या दादाजी का था, परदादा और परपरदादा जी का। तो एक का रोटी से निकल गया था, एक का पूजा से निकला था, और एक का किसी और काम से निकला था। और किसी का कोई और सवाल सर के मशीन के बारे में या कुछ और समझना चाहते हैं? हाँ सर जी, मैं अग्रवाल बात करना चाहता हूँ। जी सर, अग्रवाल बात करना चाहता हूँ कुछ। जी सर बोलिए। दो सवाल है मेरे जी। अपने ओरा मशीन से सामने वाले की हम कुंडली पूरी बना सकते क्या? देखिए सर, कुंडली आप बना सकते हो, बट आपको प्लेनेटरी पोजीशन सबसे पहले पता चल जाएगी कि कौन सा प्लेनेट उसको कितना सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि 300 कैप्सूल है जैसे पितृदोष कहा, और जो भी दोष है संतान दोष, तो वो दोष निकलने के बाद उसकी रेमेडीज भी है बताने वाले है कि आप? सर देखिए, अगर बंधन दोष किसी के ऊपर होगा तो उसकी रेमेडी मैंने आपको दिखाई थी। हाँ। अगर पितृदोष होगा तो उसकी रेमेडी के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताया अभी आपको, कि रोटी निकालने से भी घर से ठीक होती है पितृदोष, पूजा कराने से भी पितृदोष ठीक होता है, और आपका जो हमारा पिंडदान होता है उसको कराने से भी होता है। अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक साल डेढ़ साल पहले का शेयर करता हूँ। एक साल करीब हुआ होगा, एक मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ मेरे पास आई और उसका पितृदोष जो है निकल कर आया। मतलब शादी हो गई थी तो पितृदोष जो है उसके पति का था, क्योंकि उसकी बेटी से हमने चेक करा और बेटी उसकी 17 साल की थी और मेल चाइल्ड नहीं था। और जो पितृदोष निकल के आया उसके परदादा का निकल कर आया, जो कि मेरा फ्रेंड है उसका दादा। तो जब वो लेडी गई अपने घर पे अपने सास से बात करी तो उसने कहा जी हाँ जी, जब ये मतलब मेरे जो बड़े ससुर हैं वो जब एक्सपायर हुए थे तब हमारे घर में कलेश हो गया था, और कलेश भी इस तरीके का हो गया था कि दोनों भाई जो हैं एक दूसरे का मुंह देखना बंद कर दिया था इन्होंने, और जो पिंडदान थे वो किसी ने करे ही नहीं, अस्थि प्रवाह कर दिया था। पिंडदान जो अगले दिन होते हैं 11वीं की पूजा जिसे हम कहते हैं, वो किसी ने करी नहीं, और कोई पुरोहित के पास गया नहीं, किसी ने कुछ भी काम नहीं करा। छोटे ने सोचा बड़े ने करा होगा, बड़े ने सोचा छोटे ने करा होगा, और इस कंफ्यूजन में वो रह गए। जब वो लेडी मेरे पास आई थी तो उसकी जो एक प्रॉपर्टी थी वो बैंक में मॉर्गेज थी, मतलब उसके हस्बैंड की, और वो प्रॉपर्टी थी लगभग 125 करोड़ रुपए की, और जो बैंक वाले थे वो 70 लाख रुपए में नीलाम करने वाले थे। लॉकडाउन का टाइम था, इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि भैया क्या करें। बट यहाँ जब उन्होंने मेरे से बात करी, पितृदोष मैंने उनको निकाल के दिखाया, फिर वो अपने पुरोहित के पास गए, तो पुरोहित के पास जाकर के जिस डेट में वो एक्सपायर हुए थे उसके 10वें दिन की पूजा उन्होंने चेक करी तो वो उनको नहीं मिली वहाँ पर, कि कोई भी नहीं आया पूजा कराने। तो मेरे जो फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, उसने मन मारते हुए अपना अपनी वाइफ की इच्छा को रखते हुए, वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, तो अपने जो है वो परदादा की पूजा कर ली। तो जो उसको बेनिफिट मिला जी, वो सबसे पहले तो ये मिला कि जो उसका 70 लाख रुपए में बैंक नीलाम करने वाला था होटल, वो 125 करोड़ रुपए में अपने आप ही बिक गया, तो 45 लाख का तो उसको ये फायदा हुआ। फिर उसके पास ऐसी एक जगह थोड़ी सी डिस्प्यूटेड जगह थी, वो उसका डिस्प्यूट खत्म हो गया तो उसने दूसरी जगह पे होटल बना लिया। फिर अब उसको जो है कंस्ट्रक्शन के पैसे देने पड़े, और आज उसकी वाइफ मतलब शादी को लगभग 19 या 20 साल होने वाले हैं। अभी 15 से 20 दिन पहले उस लेडीज का फोन आया था कि मेरे को मेल बेबी हो गया। तो जो ये पितृ दोष था सर, उसकी शांति से आपको सब चीजें मिलेंगी। नहीं सर, मुझे कौन में था पितृ दोष वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ बाद में। ये बोलिए सर, अग्रवाल सर बोलिए। मुझे ये पूछना है कि जो 300 कैप्सूल है अपने पास, इसका मतलब 300 प्रॉब्लम हम ढूंढ सकते सर? 150 प्रॉब्लम, क्योंकि हां तो उनके रेमेडीज प्रॉब्लम आप ढूंढ सकते हैं।
क्योंकि एक स्कैनर में एक टाइम में दो कैप्सूल लगते हैं। लेकिन उनके रेमेडीज भी मिल सकते हैं 300 के? सर रेमेडी देखिए कुछ की मिलेगी कुछ की आपको बनानी है, मतलब 50% मान के चलिए कि आपको रेमेडी मिलेगी। अच्छा 50% आपको प्रॉब्लम पता चलेगी उसका आपको देखना है। जैसे पितृदोष का मैंने बताया तो पितृदोष में तो पूजा अगर निकल के आई तो पूजा वो घर वाला ही करेगा उसका जिसके ऊपर निकली है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। अगर बंधन दोष है तो आप उसको सामान दे सकते हो भैया ये सामान लगा ले, और अगर उसके चक्रास और निकल के आ रहे हैं प्रॉब्लम दे रहे हैं तो चक्रास के लिए हमारे पास ऑयल है इस तरीके की, आपको ऑयल मिलेगी ये आप उनको दे सकते हो कि भैया ये लगा लो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। नाइन प्लेनेट के आप उनको ऑयल दे सकते हैं जिससे उनको बेनिफिट मिलेगा। जी सर किसी और का कोई सवाल? आगे चले सर। अब सर मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट की जो ब्यूटी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास तीन तरीके के सैंपल हैं जिसमें हमने आपको प्लेनेट दिए हैं, सन मून मार्स मरकरी जुपिटर वीनस सैटर्न राहु केतु, और हमने आपको उनके स्टोन दिए हैं जैसे माणिक मोती मूंगा पन्ना पुखराज और आपका नीलम नीलम हीरा राहु और केतु का और आपका लहसुनिया और जो दूसरा होता है। और इसी तरीके से हमने आपको सात कलर दिए हैं जैसे जैसे हमने आपको कलर जो दिए हैं जी उसमें है आपका ऑरेंज कलर है वाइट कलर है रेड कलर है ग्रीन है येलो है ऑफ वाइट है ब्लू है ब्लैक है और ब्राउन है। तो अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे सर तो आपको अगर एक चीज का रिजल्ट 40% आ रहा है या 50% आ रहा है, मान के चलिए कि आपने किसी का जुपिटर चेक करा तो जुपिटर चेक करने पर आपको उसका 50% दिख रहा है कि हाँ ये 50% आ रहा है, तो जो येलो कलर है उसका भी उसको आपको 50% दिखाई देगा, और जो अगर आप उसका स्टोन चेक करेंगे तो उसमें भी आपको 50% ही दिखाई देगा। तीनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर तीनों के रिजल्ट में फर्क आ रहा है तो इसका मतलब आप जो इसको ऑपरेट कर पा रहे हैं वो नहीं सही कर पा रहे। क्लियर है जी ये पोजिशन? तो सर मैं फिर दोबारा से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम बिल्कुल एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको आपकी फोटो के ऊपर स्कैन करके बताया जाएगा, प्लस हम जो आपको 7 दिन की क्लास 6 दिन की क्लास देंगे इसमें से 3 दिन हमने आपको ऑरा के लिए रखे हैं, 4th दिन हम आपको आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताएंगे, 5th दिन आपको एक जो हमारा वास्तु का पूरा पार्ट है उसके बारे में बताएंगे, और 6th दिन हम आपको हीलिंग के बारे में बताएंगे कि डिस्टेंस हीलिंग भी आप किसी पर्सन को कैसे दे सकते हैं और किस तरीके से आप उसको बेनिफिट दे सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप इस जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप अपना 500 रुपये की पेमेंट प्लस एक अपनी फोटो जो कि आपकी लेटेस्ट सेल्फी हो जिसमें पीछे कोई ना हो वो आप मेरे को भेज सकते हैं, जिससे मैं स्कैन करके आप लोगों को कल बताऊंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वो एक हमारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का भी हिस्सा आ जाएगा उसमें, और सारी चीज़ें जो हैं जो हमने मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 300 सैंपल्स की उसमें हम आपसे फिर डिटेल में बात करेंगे। तो आज का सेशन स्कैनर का प्राइस सर मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। वैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं स्कैनर हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है येलो कलर का है ये मेटल बॉडी है जिसमें आप ये पीस हिस्सा ये जो देख रहे हैं ये सब मेटल का है, ये सब मेटल का है, ये आगे का हिस्सा प्लास्टिक का हमने बना रखा है क्योंकि ये जो हम इसमें सैंपल लगाते हैं ये हमारे को एक फिक्स चाहिए था, और ये डाई ये प्लास्टिक की डाई है सर, और ये जो बैटरी आप सिस्टम देख रहे हैं ये भी प्लास्टिक का है, और ये हैंडल आप देख रहे हैं ये भी प्लास्टिक का है, बट जो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सारा सारा हमारा जो है इसमें है मेटल में, और एल्यूमिनियम मेटल है सर। एक हमारे पास सर ये ब्रास का है स्कैनर, ये आप पूरा हिस्सा जो देख रहे हैं ये ब्रास का है, इसमें सेम वही जो बैटरी वाला हिस्सा है वो प्लास्टिक का आ जाता है, और ये जो आगे का हिस्सा है जहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिक पार्ट हमारा लगा हुआ है वो हमारा सिर्फ से ब्रास का आ जाता है, और ये प्लास्टिक का हैंडल है। मतलब हमने पूरा
आरएनडी करी है इसके इसके ऊपर आरएनडी करने के बाद हम इसका वेट कितना कम कर सकते थे उसको कम करने की हमने कोशिश करी है, और कितना हम इसमें मटेरियल मतलब एक तरीके से जो मेटल है वो डाल सकते थे, वो जहां जहां जरूरी था वो हमने मेटल डाला है। और कुछ लोग कहते हैं सर कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हम मेटल से ही डिटेक्ट करते हैं और ये मेटल का जो है वो काम नहीं करता, तो मेरा उन लोगों से निवेदन ये है कि ऐसा नहीं है, ये हमारी आरएनडी बहुत पुरानी है और कम से कम 5 से 6 हज़ार पीस मेरे ऑल ओवर इंडिया में हैं, अब्रॉड वगैरह में भी हैं, ये मेरे को आइडिया नहीं कितने पीस गए हैं, सबके रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता, ये बहुत बढ़िया काम करता है। एक हमारे पास, मैं आपको ये प्लास्टिक का भी दिखाता हूँ, ये पूरा पूरा पीस प्लास्टिक का है ये सर। इस तरीके से है कि आपने एक तरीके से मारुति कार खरीदी और उसके अंदर जो इंजन है वो टक्का लग गया। अगर आप ब्रेक मारोगे ना सर, तो ब्रेक मारने के 10 मीटर बाद तक भी आप रगड़ते हुए जाओगे, आप आगे चलते जाओगे, तो ये रिजल्ट जो आपको ओके नहीं देगा। अब जैसे मैंने आपको कल बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पॉजिटिव का जो एक बार रिजल्ट देगा, मैं आपको एक दोबारा से एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने पॉजिटिव को सैंपल लगाया, ये हमारा जो मेटल बॉडी का है, मैं उसकी आपको वही देखे सर, 75% रिजल्ट निकल के आया है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। Yes. ये प्लास्टिक वाले में मैं लगा रहा हूँ सर, प्लास्टिक वाले में क्या होगा, 75% जो रिजल्ट आया ना, जितनी जल्दी इसने रिजल्ट दिया वो आपने देख लिया कि कितने टाइम में इसने रिजल्ट दिया मेरे को। और ये प्लास्टिक वाला मैं यूज करके आपको बता रहा हूँ, ये अभी डायग्नोसिस कर रहा है, रिजल्ट इसने भी 75% ही लिया है, पर क्या है कि इसने टाइम हमारे से बहुत एक्स्ट्रा ले लिया। ओके तो हमारे को उसमें आधा मिनट में पता चल गया, इसमें एक मिनट में पता चल रहा है। और कभी कभार क्या होता है सर कि जैसे किसी चीज का आपको 40% रिजल्ट आना है या 50% रिजल्ट आना है, तो हमारा वाला जो ये येलो वाला स्कैनर आपने देखा, ये 60 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, फिर 50 पे आएगा, रुक जाएगा। और जो प्लास्टिक वाला आप देख रहे हैं वो पहले 70 पे जाएगा, फिर 30 पे जाएगा, फिर 60 पे जाएगा, फिर 40 पे जाएगा, फिर 50 पे आएगा। तो जो आपकी ड्यूरेशन ऑफ वर्क है वो बढ़ जाएगा, और 50 पे भी आने के बाद ना ये थोड़ा सा थोड़ा हिलता रहेगा, इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा। सर तो ब्रास वाला इससे भी ज्यादा एफिशिएंट है क्या, मेटल से भी ज्यादा वाला? देखिए जो आपने सबसे पहले इंडिया में आया था वो ब्रास में ही आया था, और ब्रास का जो है बहुत बढ़िया पीस है ये, हमारा जो है मेटल बॉडी में है। बट क्या है कि दोनों के वेट में फर्क है, ये थोड़ा सा इजी है काम करने में, इसमें लगभग 100 ग्राम वजन फालतू बैठ जाता है दोनों पीस का मिलाकर। ओके। अगर आपको 4 घंटे 5 घंटे काम करना है तो येलो वाला बेस्ट है, अगर आपको दिन में 1-1.5 घंटा काम करना है तो ब्रास वाला बेस्ट, ब्रास वाला लुक वाइज थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। यस सर। और सर प्लास्टिक वाला तो वेस्टेज ऑफ मनी है। ओके। तो सर ये ब्रास वाले की लाइफ ज्यादा है क्या सर, ऐसा रहता है क्या सर? देखिए सर रिजल्ट दोनों के सेम है, दोनों की लाइफ सेम है, बस ब्रास वाला थोड़ा सा हैवी है और लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा है। मान के चलिए कि ये आपको एक आपने SUV ली और एक आपने i10 ली, तो i10 जो है i10 है, SUV है, और ये मारुति कार है जिसका कोई भरोसा नहीं। ये आपको सर प्लीज प्राइस का प्लीज बता दीजिएगा बाद में भी अगर हो सके तो। सर देखिए ये वाला जो येलो वाला पीस है ये हमारा 16,500 रुपए का है पूरी किट का। ओके। और जिसमें आपको फोटो से स्कैन करने वाली डिवाइस भी मिलेगी, हमारी एक 4 घंटे की वीडियो बनी हुई है वो भी मिलेगा आपको, प्लस जो आप एक क्लास आगे ज्वाइन करेंगे या
इसी क्लास में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो जिसकी कॉस्ट में 500 रुपए बताइए आपको। और सर ब्रास वाला कितने का रहेगा सर? सर ब्रास देखिए सर, इसका मैं पूरा बता दूं आपको, ये 16,500 का है, इसमें 1,500 रुपए डिस्काउंट हम दे रहे हैं अभी, तो ये 15,000 का पड़ेगा। ओके। और ये 18,500 का है ब्रास वाला। ओके। और ये जो है आपको 1,500 रुपए लेस करके 16,000 का पड़ेगा, तो सॉरी 17,000 रुपए का। सर विद शिपिंग चार्जेस या शिपिंग चार्जेस अलग रहेगा सर? नहीं सर, किसका नहीं सर, इंक्लूड है शिपिंग चार्जेस, यानी कुरियर से अगर आप भेजते हो। हां सर, कुरियर चार्जेस इसमें इंक्लूड है, अगर आपको कुरियर चार्जेस इंक्लूड है। ठीक है। और सर एक बात और बता दूं मैं, कि ये जो हम बनाते नहीं है और ना हम रिकमेंड करते हैं, ये अगर आपको लेना है तो ये 12,000 रुपए का मिल जाएगा हमारे पास, बस इसके बाद हम आपको पहचानते नहीं है। ओके सर। और इसमें हम आपको 1 साल की गारंटी देंगे। ओके। 1 साल के बाद भी हम लोग हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके सर। क्योंकि ये हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सब डाई वगैरह और ये एल्यूमिनियम का पीस बाहर से खरीदते हैं, ये दाना खरीद के हम खुद बनाते हैं। ओके। जो सर्किट वगैरह है वो हमारे खुद के बने हुए हैं, जो R&D है वो हमारी खुद की है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इवन ये आपका पानी में भी भीग जाए तब भी रिपेयरेबल है। सर ब्रास वाला कितना बताया आपने सर, फिर से एक रिपीट करें। 17,000 17,000 इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस सर। हाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज की क्लास को सर मैं क्लोज करता हूँ, अब आप लोगों से मैं व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ूंगा, अगर आप लोग आगे की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, जो हमारी 7 दिन की क्लास रहेगी और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, 500 रुपीज़ कुछ भी नहीं होते हैं। ये भी इसीलिए है कि सर कि अगर आपका इंटरेस्ट है तब पाइए, मैं फ्री भी रख सकता था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्या है कि एक अमाउंट देने से सामने वाले को ये होता है कि भैया मैं अब टाइम से पहुंच जाऊं। अब जैसे आज की क्लास में भी हमारे पास सिर्फ इस टाइम मैं देख रहा हूं सिर्फ 23 जने हैं, और जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो लगभग 70 से ऊपर का हुआ था, तो सिर्फ उस गैप को मेरे को भरना है और कोई बात नहीं है। अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते हैं और इंस्ट्रूमेंट हमारे से परचेज करते हैं, या 5,000 रुपये का भी अगर आप हमारे से सामान लेते हैं, तो ये जो 500 रुपये आपने फीस के दिए हैं ये आपके एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। जी सर, क्लास क्लोज करते हैं ये आज की, कल 7 बजे करीब फिर दोबारा मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद जी।